गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज ईवीएस का, ये आपकी ईवीएस की बुक है। अब सभी बच्चे ये बता दीजिए कि यही बुक चल रही है कि नहीं चल रही है, ईवीएस एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पेपर शायद आपकी मैम ने पढ़ा दिया है, मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन का इफेक्ट एनवायरमेंट पे क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो चार, तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में भी देखते जाएंगे तो आपको काफी क्लियर होगा। आप मुझे बताइएगा इसमें मैसेज करके ग्रुप में कि आपको ये लेटर प्रॉपर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉपुलेशन ऑन द एनवायरमेंट। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज का पॉप इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉपुलेशन, इनका सबका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है। इन ऑर्डर इन ब्रॉडर सेंस वी मेनली डिफाइन द पॉपुलेशन एज, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से है, अ समवॉट परमानेंट एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डेफिनेट स्पेस और एरिया एट अ गिवन टाइम कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना। बट वॉट इज द स्पीसीज, स्पीसीज क्या होती हैं। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही सिमिलर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग एक स्पीसीज के हैं, ठीक है। जैसे मंकीज होते हैं या फिर, और तो उनकी सबकी अलग अलग स्पीसीज, मंकीज में भी कई टाइप के स्पीसीज होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज होती है, ठीक है। विच कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर, ये लोग इंटरब्रीड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। द नेचर दिस दीज डेफिनेशन अप्लाई टू ऑल लिविंग बींग्स, यही डेफिनेशन जो है सारे ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई होते हैं। हियर इन दिस चैप्टर वी आर प्रिंसिपली कंसर्न विद ह्यूमन पॉपुलेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स इम्पैक्ट एंड स्ट्रेस ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिमेन्स चेंजिंग ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स, हेंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द सेवरल पैरामीटर्स लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, एरिया एंड टाइम एक्सेट्रा। मतलब कभी कभी आपने देखो, जैसे दिल्ली है आपका, दिल्ली बहुत ही ज़्यादा घना बसा हुआ है, वहाँ मतलब कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे ही आपका मुंबई का हाल है, बड़े बड़े जितने मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। और आप जैसे पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख वगैरह कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। अपन आपका राजस्थान का एरिया है, पहाड़ी इलाकों में लोग बहुत दूर दूर फैले फैले रहे हैं, ठीक है ना। द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया फॉलोज कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब डेंसिटी क्या है, मतलब एक एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। डिस्पर्सन, फैलाव क्या है उसका। एज स्ट्रक्चर, उसका एज स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने साल। जैसे कहते नहीं कि अभी मोदी जी बोल रहे थे कि चाइना और जापान में बूढ़े लोग रहते हैं, हमारे यहाँ मतलब नौजवान लोग रहते हैं। नेटिलिटी मतलब जन्मदर क्या है, ठीक है। दूसरा मोरालिटी, मोरालिटी मतलब होता है मृत्यु दर। दूसरा है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, मतलब आपका अप्रवासन और प्रवासी, ये सारी चीजें क्या है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन दैट, मतलब एक एरिया की पूरी पॉपुलेशन जो होगी उसको हम साइज ऑफ द पॉपुलेशन बोलेंगे। इट इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल्स एंड बाय द डिवाइडिंग बाय इट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्पेस। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज टेकन कैपिटल एन एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्पेस एज एस, देन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द फॉलोइंग फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन अपॉन एस, वेयर डी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एन कैपिटल एन जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उस पर्टिकुलर एरिया में, और एस क्या है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द स्पेस है।
तो ये हम इस फॉर्मूले से डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन हमने आपको पहले बताया फैलाव क्या होता है। द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कितनी रेंज में कितने कितने लोग फैले हुए हैं इसको बोलते हैं। द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज अ वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन सो मेनी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल क्वालिटी, अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है या गर्म है, वहाँ की मिट्टी कैसी उपजाऊ है या बंजर है ना, तो लोकेशन कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचर रिसोर्सेज, पेड़ पौधे वहाँ पे हैं या नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड एमिनिटीज, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये सब चीज़ें अगर गुड रिच मात्रा में हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, ठीक है। द डिस्पर्जन ऑफ द पॉपुलेशन में भी रेगुलर और रैंडम क्लम्प्ड, एंड अ रेगुलर डिस्पर्जन इज दैट द इंडिविजुअल्स हैव प्रॉपर स्पेस अराउंड देम। सच टाइप ऑफ अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन डज नॉट अकर इन नेचर, ऐसी जो है नहीं होती नेचर में। इट अकर्स द मैनेज सिस्टम लाइक प्लान सिटीज एंड टाउन। इन रैंडम टाइप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्पर्जन द डिस्पर पोजिशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज नॉट क्लियर क्लोजली रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ इट्स नेबर। क्लम्प्ड डिस्पर्जन इज पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द इंडिविजुअल्स एग्रीगेट इन टू द पैचेज, मतलब थोड़े लोग यहाँ रह रहे होंगे, थोड़े लोग यहाँ रह रहे होंगे, तो वो हमारा क्लम्प्स वाला होगा, पैच पैच टाइप में बने होंगे, ठीक है ना। जैसे शहरों में क्या होता है, एक ही जगह बहुत सारे लोग होते हैं, पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे जंगलों में तो वहां पे लोग पैचेस के हिसाब से, मतलब थोड़े यहाँ ऐसे करके रह रहे होंगे। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, अ पॉपुलेशन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस, सारे एज के तो होंगे नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट एज के होंगे। द प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ईच ऑफ एज ग्रुप, ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। देयर आर थ्री मेन एज स्ट्रक्चर इन अ पॉपुलेशन, दे आर द प्री प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट प्रोडक्टिव एज स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स वी कॉल द स्ट्रक्चर, इनको हम प्री प्रोडक्टिव वालों को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जैसे आप लोग बचपन में हैं तो आप लोग चाइल्डहुड हैं, चाइल्डहुड 10 साल तक मानी जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मतलब यूथ, मतलब 11 12 जो 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं उनको यूथ बोलते हैं। पोस्ट प्रोडक्टिव क्या होते हैं, ओल्डनेस, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। एज स्ट्रक्चर इन अदर, सॉरी, ये हो गया आपका प्री प्रोडक्टिव, आपका चाइल्डहुड होगा, रिप्रोडक्टिव आपका यूथ होगा, और पोस्ट प्रोडक्टिव क्या होगा, ओल्डनेस वाला होगा। नेटेलिटी मतलब जन्म दर क्या है, आगे देखिए जन्म दर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल, मतलब 1000 लोगों पे कितने लोगों की कितने लोग जन्म ले रहे हैं, मतलब कितने बेबी बॉर्न हो रहे हैं इन अ गिवन ईयर, एक साल में, इज कॉल्ड द नेटेलिटी, इसको हम नेटेलिटी बोलेंगे, ठीक है, जन्म दर, ठीक। अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नेटेलिटी, सेम वही चीज़ है। तो एक फॉर्मूला आप लर्न, वो डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, पहली वाली मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी है ये वाली, ठीक है ना, ये लर्न कर लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ रेट, इसी को हम बर्थ रेट बोलते हैं। नेटेलिटी कम्स डाउन ड्यू टू द डिजीज ऑफ द मदर्स एंड इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है न्यू बेबी बॉर्न चाइल्ड जो होता है उसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर मदर एंड पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन समझ रहे हैं, जिनकी जो है खाने को मतलब न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलता है तो उनको बोलते हैं। एक माल न्यूट्रिशन पर डिपेंडेड एक डिजीज भी तो होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटी एंड द मेडिसिनल मेडिकल एड्स हैव इन्हेंस द नेटेलिटी कंसिडरेबली, ठीक है। अगला लास्ट है हमारा मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब होता है ये नेटेलिटी आपका जन्म दर, मोर्टैलिटी आपका मृत्यु दर, इसकी भी डेफिनेशन काफी पूछी जाती है। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ गिवन ईयर, वहां पे क्या था, बर्थ था, यहाँ पे डेथ हो गई एक साल में, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्ड द मोर्टैलिटी एंड द, और यही आपको अच्छी डेफिनेशन आसान है इसी को लर्न कर लिया। अगला था द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन डाइंग इन अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड अ मोर्टेलिटी, द रेशियो ऑफ द बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड द वाइटल इंडेक्स। दोनों को अगर डिवाइड कर दें, किसको, बर्थ रेट को और डेथ रेट से डिवाइड करेंगे तो हमें वाइटल इंडेक्स पता चल जाएगा, ठीक है,
मोर्टेलिटी इज रेगुलेटेड बाय द पब्लिक हाइजीन, अवेलेबिलिटी बैलेंस फूड, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, द नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑन द वर्ल्ड स्केल हैज बीन शोन इन फिगर 10। ये आपका देखा वर्ल्ड का, पूरे संसार का ये है, पर 1000 पीपल ये है और ये वर्ल्ड का है। अफ्रीका का आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा है, एशिया का ये है, ये कनाडा यूएसए का है, और ये यूरोप का है, और ये आपका है लैटिन अमेरिका का। तो यहाँ पे आपको बर्थ दिखाई दे रही है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये बर्थ वाला है, और ये वाले जो छोटे छोटे कॉलम हैं बर्थ से, यूरोप का आप देख लीजिए डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से यूरोप का। लैटिन अमेरिका का देखिए ठीक है, ये अफ्रीका, ये हम लोग एशिया में रहते हैं, तो यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। यहीं तक आप रखते हैं, ठीक है, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आपको शायद इस बुक में आपके आंसर्स पहले से ही दिए दे रखे हैं, तो आप आंसर वहीं से लिखेंगे या फिर मैं नोट्स भी भेजूंगा, ठीक है ना, इस बार जो नई बुक आई। और बताइएगा मुझे मैसेज करके यही बुक चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।